तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि यहाँ से इसको देख पा रहे हो, पूरा का पूरा दोस्तों ये मेरे हाथ में आ चुका है। आपका कक्षा नवी का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आप दोस्तों आसानी से यहाँ से इसको देख पढ़ो, समझ सकते हो। देखिएगा दोस्तों, पूरी तरह से दोस्तों ये मेरे हाथ में है। आप चाहे जितनी दूर से या पास से देख सकते हो, पूरा का पूरा आज दोस्तों हम देखने वाले हैं आपका कक्षा नवी का गणित का दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको पूरा समझ लीजिएगा, बिल्कुल ए टू जेड आपका जो क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आएगा वह बिल्कुल आपका इसी प्रकार का आएगा जैसा कि मैं यहां से आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। कक्षा नवी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरी तरह से दोस्तों। आज आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। देखिएगा, ये आपका कोड होने वाला है और देखिएगा यहाँ पर ये कोड दिया गया दोस्तों, ए टू जेड पूरा का पूरा आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल यही आएगा। देख लीजिएगा आप पूरी तरह से दोस्तों, यहाँ से इसको देख सकते हो पूरा का पूरा दोस्तों आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। चलिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का पूरा हल सहित बताने वाला हूं। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देख लीजिएगा दोस्तों, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, चाहे जितना पास से मैं आपको दिखा दूँ। ये दोस्तों देखिए लीजिएगा, पूरा आपका दोस्तों ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर है। मगर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई विद्यार्थी ये सोचेंगे कि हमें पहले सेट बी मिला था तो इस बार भी हमें सेट बी लेगा क्या? तो नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है। आपको सेट बी मिल सकता है, ए मिल सकता है, कोई सा भी सेट पेपर आपको मिल सकता है दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको सभी सेट पेपर बताए जाएंगे, तो इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपसे सही विकल्पों का चयन पूछा गया है। आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ से इसका सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग दोस्तों, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0, 0। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, रेखिक बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा दोस्तों, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक होती है, ये तो आपको भी पता है। देखिएगा दोस्तों, सही विकल्प आपसे 6 अंक में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहां से इसको देख लें। उसके अलावा एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरे चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा रेखिक समीकरण का, देखिएगा यहाँ से आपको रेखिक समीकरण बताना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो देखिएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। और उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? तो देखिएगा दोस्तों, ये परिभाषित नहीं है अभी तक। और उसके अलावा दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा आप सबको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी पूरी बताई जाएगी। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट करके देख लें। पहले रिक्त स्थान लिखा है, बहुपद एक्स प्लस 4 का शून्य क्या होगा? तो ये देखिएगा दोस्तों, माइनस का 4 हो जाएगा। संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो ये 60 डिग्री का होता है। जब 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो पूरक कोण रेखिक युग्म में बनाते हैं, आप लोग यहां से नोट कर लेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो दिया गया है इसमें आपको लिख लेना परिमेय, और अगला जो दिया गया है दोस्तों यहां से आपको लिखना है शून्य का। और उसके अलावा दोस्तों आगे का भी आप लोग लिख सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो आप आसानी से दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, जोड़ी का मिलान कुछ इस प्रकार से आप सबको कर लेना है। आप पूरी तरह से दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा, जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आप सबको अच्छे से कर लेना है। और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये दोस्तों टोटल आपसे रिक्त ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो ये 6 पूछे जाएंगे दोस्तों। आप सभी लोग इनको तैयार कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा दोस्तों ये लाल कलर के पेन से जो लिखा गया है ये इधर इसके आंसर हैं। तो आप सभी लोग दोस्तों इनको तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपको पूरा का पूरा पेपर की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। तो आप सभी लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक इसको पूरा नोट कर लें, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे
जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को भी देखते हैं कि दोस्तों आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे तैयार कर लेने हैं। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ में आप आगे देख सकते हो, आप लोग निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। ये भी दोस्तों आपसे कितने अंक में पूछा जाएगा, 6 अंक में। तो चलिएगा दोस्तों जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि सत्य असत्य आपको कैसे लिख लेने हैं। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, पहले नंबर पर जो लिखा गया है 5x+4 एक रैखिक बहुपद है, ये पूरी तरह से सत्य हो जाएगा दोस्तों। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यदि दो संख्या परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, ये सत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का दोस्तों जरूर आपका असत्य होगा। और पांचवे नंबर का भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। छठे नंबर का भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा हल कर लेना है दोस्तों। इसी के अलावा आप आगे यहाँ से देख सकते हो, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों, इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर दिया जाए, देखा जाए, तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग क्या लिखा है, दिए गए प्रश्न को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो इनके उत्तर लिखने दोस्तों, देखिएगा जब हम 50 में 7 से भाग देते हैं तो भागफल 7 आता है और शेषफल क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। सरल कीजिए, इसको आपको सरल कर लेना है। और उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो आप, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आने वाला है, ये बिल्कुल दोस्तों हमारे पास में आ चुका है। पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार का छपकर आएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ना दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का छपकर आने वाला है। और आगे दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्या लिखा गया है, सीधे गुणा न करके 94 और 106 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मान ज्ञात करना है दोस्तों। उसके अलावा आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपसे इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों एक एक सवाल को पूरा देख लेंगे और इनको नोट कर लेंगे, पूरा A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से बिना किसी देरी के दोस्तों इसको पूरा तैयार कर लें। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें दोस्तों आपसे 22-23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पूरी तरह से यहाँ से को देख सकते हो, A to Z दोस्तों आप लोग यहां से आसानी से देख सकते हो। पूरा का पूरा दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बता दिया गया है, आप आसानी से इसको पूरा देख पढ़ और समझ सकते हो दोस्तों। आपका जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर आएगा दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहां से आपको दिखाया है। तो आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जरूर तैयार कर लें ताकि दोस्तों आप सभी लोग अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। दोस्तों इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।